हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? अब केमिस्ट्री के बारे में ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जितनी भी चीजें डेली लाइफ में आप चाहे साबुन यूज कर रहे हैं, सोप, डिटर्जेंट, इवन वाटर बोतल यूज कर रहे हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है। वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक क्या है? केमिस्ट्री का कंपोजिशन है। आप परफ्यूम लगा रहे हैं, वो भी कंपोजिशन है, उसमें भी केमिकल कंपोजिशन है और उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आप खाना खा रहे हैं, उसमें भी केमिस्ट्री, फूड में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसमें भी कंपोजिशन होती है। अगर कंपोजिशन अलग हो जाए तो आपका खाने का टेस्ट खराब हो सकता है। मेडिसिन, वो भी केमिस्ट्री है, उसमें भी केमिस्ट्री है। तो जितनी भी आपकी जरूरत की आसपास की चीजें हैं उन सब में केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसलिए केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी लाइफ जो होगी वो डल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी और आपको मजा नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और उसका क्या क्या यूटिलिटी है। तो सबसे पहले ये समझ रहे हैं हम बातचीत में अभी कि केमिस्ट्री क्या है। कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है। मेडिसिन आप ले रहे हैं तो मेडिसिन में क्या है? डिफरेंट कंपोजिशन है। आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं या पेन किलर ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ऐसी भी दवाई देते हैं जो गैस का होता है, वो भी दे देते हैं साथ में, क्योंकि कंपोजिशन है। एक चीज लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा और साइड इफेक्ट होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए दूसरी मेडिसिन की जरूरत होगी। सो ऑल अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पता है कि इससे ये होने वाला है। आप बाल में कलर कर रहे हैं, इसमें भी क्या है? डाई है, कलर है, केमिस्ट्री है। ये कपड़े का कलर है, ये भी क्या है? इसमें भी केमिस्ट्री है। ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री का बड़े प्रकार में कलर का, डाई का उपयोग होता है और ये सब क्या है? केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री आप समझ गए होंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जो स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डील करता है। तो चलिए लिखते हैं कि साइंस केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज केमिस्ट्री इन फैक्ट? So, first thing is that, what is chemistry? What is chemistry? Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science. Branch of science which deals with which deals with structure, composition and properties of matter, and properties of matter, structure, composition and properties of matter. It also deals with changes undergoes in matter and the rule which govern this changes ये चेंज होता है मैटर में, चेंज होता है। आप हीट करोगे तो मैटर में चेंजेस हो जाएगी। कुछ चीज जो लिक्विड है वो वेपर बन जाता है आप हीट करने से, और जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है। यानी सब्सटेंस के नेचर में चेंज होता है, मैटर में, सब्सटेंस में चेंज होता है। आप मैटर से बेहतर कह सकते हैं सब्सटेंस में चेंज होता है। और ये चेंज को जो गवर्न करने वाली रूल है उस रूल के बारे में भी कहेगा, उस रूल के बारे में भी ये बात करता है। वो रूल क्या है? द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस जब का कंपोजिशन कैसे बनेगा, जब वो केमिकली रिएक्ट करेंगे या फिजिकली मिक्स करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन से जो चेंजेज होते हैं उसको ये गवर्न करता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री उन सारे रूल्स के बारे में बात करता है जो जिस रूल की वजह से, जिस रूल के जरिए, जिस रूल के आधार पर कोई एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में चेंज करता है, रिएक्शन करता है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसमें रिएक्शन से नई सब्सटेंस जनरेट होती है, यानी केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेगा केमिस्ट्री, यानी जो रूल होगा वो केमिकल रिएक्शन के जरिए सब्सटेंस में चेंजेज होती है, वो सारी केमिकल रिएक्शंस की बात करता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्या करता है, ये जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करता है। तो आप समझ गए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल। केमिस्ट्री का रोल जो है वो बड़ा ही सेंट्रल है। सेंट्रल का सेंस ये है कि हर एक सब्सटेंस जो साइंस का, जो हर एक डिपार्टमेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल, तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री जो है वो बीच में है, और इससे बाकी सब्जेक्ट भी जोड़े जा सकते हैं, लाइक फिजिक्स। फिजिक्स आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स से क्या जोड़ सकते हैं, फिजिक्स से मैथ जोड़ सकते हैं, मैथ हो सकता है। इसी तरह से अगर इसमें कहें तो बायोकेमिस्ट्री होता है। बायोकेमिस्ट्री होने की वजह से ये इसका बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। बायोकेमिस्ट्री के अलावा इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो सकता है, जो इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो सकती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री हो सकती है। केमिस्ट्री जो सरफेस के बारे में डील करे उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कह सकते हैं, या जियो केमिस्ट्री कह सकते हैं, तो जियो केमिस्ट्री होती, जियोलॉजी, जियोलॉजी भी है, भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोलॉजी, यू नो। इसी तरह से ज्योग्राफी भी समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोग्राफी, ज्योग्राफी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशंस है वो सारे अलग अलग फील्ड में है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनको अलग अलग भाग में जितने भी सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो सारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी हैं वो भी हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उन सब में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सब्सटेंस उसमें भी हमारा केमिस्ट्री जो है इन्वॉल्व है। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं सब जगह इन्वॉल्व है, और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है सेंट्रल रोल इन साइंस। केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल इन साइंस, केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल, सेंट्रल रोल इन साइंस, इन साइंस, सेंट्रल रोल इन साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल इन साइंस, आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल इन साइंस, एंड इट इज ए क्वीन यू कैन से ऑफ साइंस, बिकॉज समहाउ इट इज सराउंडेड बाय ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड सब्सटेंस। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी होता है, तो एस्ट्रोफिजिक्स जो होता है एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली से रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, यू नो, सो ऑल दीज थिंग्स आर समहाउ रिलेटेड विद दिस व्हाट, केमिस्ट्री। सो इसलिए केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हैज सेंट्रल रोल इन साइंस। आई होप यू गॉट इट। नाउ केमिस्ट्री का हमारी एवरी डे लाइफ में क्या यूज है, व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर एवरी डे लाइफ। सो आई कैन राइट हियर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, एवरी डे लाइफ, व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
एंड स्कोप एज वेल स्कोप। सबसे पहले ये बात कहें कि हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एवरी डे लाइफ में आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग, एवरी डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग, एवरी डेली रिक्वायरमेंट इज समहाउ फुलफिल्ड बाय केमिस्ट्री, फुलफिल्ड बाय केमिस्ट्री। आपकी जो भी दिन की जरूरत है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से फुलफिल किया जाता है, बाय केमिस्ट्री, बाय केमिस्ट्री। कैसे? अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है भाई? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूड आइटम से। जो फूड आइटम है वो किसका, कौन सप्लाई करता है, उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल? सो फर्स्ट थिंग इज सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड क्या? सप्लाई ऑफ फूड, पॉपुलेशन इंक्रीज, सो सप्लाई ऑफ फूड शुड बी आल्सो इंक्रीज। क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड शुड बी आल्सो इंक्रीज। ऑल दिस केमिस्ट्री, ऑल दिस हैपन ड्यू टू केमिस्ट्री। क्रॉप प्रोडक्शन पहले जो होता था, आज जो है उसमें कई गुना इंक्रीज हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन हो या और भी कोई तरीके हैं, और भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। बिना केमिस्ट्री के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। सो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गया, तो जो खाने की क्वालिटी है, जो फूड की वेराइटी है, जो फूड की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। इन सब में केमिस्ट्री का रोल है। कैसे रोल है? चलिए सबसे पहले इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फ्रूट वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स लाइक आपने नाम सुना होगा यूरिया, कैल्शियम, सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, ये वाइडली यूज किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो एक तो हो गया कि एज ए फर्टिलाइजर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन इंक्रीज एंड हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और इसकी वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से जो चैलेंजिंग नीड्स है उसको पूरा करता है। ठीक है, दूसरा फूड अगर इंक्रीज हो भी गया तो इस फूड के इंक्रीज होने के बाद इनको बचाना है, क्रॉप को बचाना है किससे? इंसेक्ट से। तो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फंगिसाइड्स आर मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगस, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगस, फंगस, यू नो। सो इन सबसे बचाने के लिए ये हुआ। इसके बाद अब इन सबसे बचा के फूड आ भी गया तो इनको अब प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत पड़ रही है। सो प्रिजर्वेटिव्स आर मेड, प्रिजर्वेटिव्स आर मेड फ्रॉम केमिकल, केमिकल सो दैट इट कैन बी केप्ट फॉर, सो दैट इट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी केप्ट दैट इज प्रिजर्व फॉर
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल दिस प्रिजर्वेटिव्स आर यूज, फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन जैम, बटर, पिकल, पिकल्स, स्क्वास एक्सेट्रा, यू नो, फॉर कीपिंग दिस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारी जो जरूरत होती है, जो सबसे पहली जरूरत है, फूड की जरूरत, यहाँ से ही हमने कहा कि एवरीडे लाइफ में जो फूड की जरूरत है, यहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री का दखल, केमिस्ट्री का यूज, केमिस्ट्री की यूटिलिटी. यानी हमारी जो रोज की जिंदगी है, जिसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें केमिस्ट्री का इतना बड़ा यूज है. और ये हमें क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर के प्रिजर्वेटिव तक सब जगह हेल्प करता है. तो फूड में इसका बहुत बड़ा रोल है. उसके बाद जो हमारी रोज की जरूरत की चीजें हैं, लाइक हम जैसा कहा डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, यू नो, क्लॉथ यूज करते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. तो एवरी डे लाइफ में केमिस्ट्री का इतना बड़ा रोल है. इसके अलावा जो एवरी डे लाइफ के अलावा जो यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो उसके इलाज के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वो केमिस्ट्री के यूज से बना है. फॉर एग्जाम्पल, सो सेकेंड थिंग इज लाइफ सेव यूज ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स केमिस्ट्री प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ सेविंग ड्रग्स. अर्लियर पीपुल आर डाइंग इन ग्रुप ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डाइंग टूगेदर विद प्लेग्स, यू नो, कॉलरा एटसेट्रा. नाउ सल्फर ड्रग इज यूज एंड सल्फर ड्रग्स पेंसिलिन हैज डेवलप एंड सच डिजीज आर नो लॉन्गर इन सीन. पीपुल कैन बी सेव इफ समवन इज सफरिंग विद दिस डिजीज, देन पीपुल कैन बी सेव. सो हियर वी कैन राइट, सो डिसेंट्री, डिसेंट्री न्यूमोनिया एटसेट्रा आर क्यूरेबल बाई यूज ऑफ सल्फा ड्रग एंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, यू नो. सो दिस कैन बी वन पॉइंट, डिसेंट्री निमोनिया कैन बी यूज. चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, a small pox and cholera, cholera, you know, plague, etc. are matter of past, you can say, are matter of past now, matter of past now. It is a and even then if it occurs, smallpox usually occurs, then it can be curable by using all these drugs. So life saving drugs are made of made by use of chemistry. And the third thing is that now in present scenario, cancer is a big issue, big disease, and cancer, this is I say cancer in cisplatin, platin are useful, very useful, platin are very useful in cancer therapy, cancer therapy, cancer therapy, therapy. बहुत सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं कैंसर से, और कैंसर थेरेपी में जो है वो क्या होता है,
सिस प्लेटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है अभी तक। हालांकि कैंसर के लिए कोई बहुत बढ़िया दवाई नहीं मिल पाई है एग्जैक्टली, बट फिर भी उसको रोकथाम के लिए बहुत सारे मेडिसिन डेवलप हो गए हैं और उसको रोकथाम किया जा सकता है। अभी कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे कि पूरी तरह से कैंसर का इलाज सब हर एक स्टेज पे किया जा सके। प्राइमरी स्टेज पे उसे रोकथाम के लिए कुछ मेडिसिन डेवलप हो पाई है। तो सिसप्लेटिन एक इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो कि यूज किया जा रहा है अभी कैंसर थेरेपी में। इसी तरह से एक थर्ड जो हमारी चीज है अभी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे देश विदेशों से में फैल रही है वो है एड्स, यू नो। सो सिसप्लेटिन के अलावा एक और भी चीज है जो इस्तेमाल होती है वो है टैक्सोल। सिमिलरली एड्स एक है जो बड़ा ही अभी बड़े पैमाने पे देश विदेशों से में फैला हुआ है। यहाँ पे एड्स के लिए AZT, राइट ना, AZT जो है इसको कहते हैं एजियोडोथाइमीडाइन, ये पूरा नाम है, थाइमीडाइन ये पूरा नाम है, ये कंपाउंड है। दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और बाई सिंथेटिक मेथड, राइट ना। सो इस तरीके से ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो बनाने में केमिस्ट्री का, केमिकल कंपाउंड का, कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है ना। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का हमारी एवरीडे लाइफ में भी, जो हमारी हाइजीन है, जो हमारी सेनेटरी है, इन सब में भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी और बात सीखते हैं इसके बारे में। देखिए एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेन रिलीफ टैबलेट्स, मेडिसिन, यू नो, मेडिसिन एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स आर मेड फॉर डेवलपिंग एंटीबॉडी, आर एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड फॉर क्योर द डिजीज लाइक टाइफाइड, फाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस राइट ना, ट्यूबरक्लोसिस BERCLUSIS, सो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, इस सब बीमारी को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स डेवलप किया गया। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेबलेट का नाम है ये है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक्स डेवलप किया गया, इन सब बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स आर डेवलप्ड लाइक DDT एंड गैमेक्सिन, सिन आर यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय रैट, मॉस्किटो एंड फ्लाइज, रैट मॉस्किटो एंड फ्लाइज, राइट।
सो ये इनके बचाने के लिए ये सब यूज किया जाता है, ये प्रिवेंटिव्स है, इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है फॉर डिजीज प्रिवेंट, डिजिट यूज फॉर प्रिवेंट डिजीज, प्रिवेंट डिजीज कॉज बाय रैट मस्किटोज एंड फ्लाइज। तो ये तरह का हमारे डेली लाइफ में इतने सारे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो हमने इसके अलावा जो केमिस्ट्री से यूज किया जाता है जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है वो है सिंथेटिक विटामिन्स एंड टॉनिक्स, विटामिन्स एंड टॉनिक्स, टॉनिक्स आर मेड फॉर बेटर हेल्थ, फॉर बेटर हेल्थ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है, और सुबह से लेकर के शाम के सोने के समय तक हम इनसे बनी हुई चीजों का और इस्तेमाल तो करते ही हैं, बट डायरेक्ट लाइफ में हमारा इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा इनडायरेक्ट यूज भी है हमारी लाइफ का, केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो अलग अलग फील्ड में भी है, उसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। इन सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट, सेविंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सेव करने में किस तरह से काम आता है। अब ये देखिए, बहुत पहले से लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि एक सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहा था जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा था, डिप्लेशन हो रही थी, और इसके से लोग परेशान थे कि फ्रिज हम रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते थे और इसमें सीएफसी निकलता था और उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता था। अब क्या है कि इस सीएफसी का यूज नहीं किया जाता रेफ्रिजरेंट के तौर पे, एक ऐसा केमिकल डेवलप कर लिया गया जो इसको रिप्लेस कर दिया और नाउ सीएफसी इज नो लॉन्गर ए चैलेंज, बट स्टिल सम ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइक CO2, CH4 ये अभी भी केमिस्ट के लिए परसिस्ट चैलेंज बना हुआ है, ये अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में परसिस्ट कर रहा है और इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज जो है वो अभी भी चैलेंजिंग है, इनको कैसे दूर किया जाए और इनसे कैसे निजात पाया जाए ये अभी चैलेंज है। बट स्टिल द रेफ्रिजरेंट, सो वी कैन राइट हियर द रेफ्रिजरेंट लाइक सीएफसीज, सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यू नो एवरीबडी नो दिस रेफ्रिजरेंट आर सक्सेसफुली, सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाई बाई केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल, केमिकल, केमिकल रिप्लेस बाई केमिकल विच आर विच वेयर रिप्लेस बाई केमिकल द सी एफ सी, ऐसे लिख देता हूँ, सी एफ सी वॉज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, राइट ना। तो इस तरह से सेविंग एनवायरनमेंट में भी बड़े पैमाने पे केमिस्ट्री का यूज हो रहा है, और इस का यूज केमिस्ट्री का जो एनवायरनमेंट के रूप में है वहां पे भी बड़ा यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अब आपको पता है कि जो आप चाहे स्कूटर से लेकर के और हेलीकॉप्टर तक, हवाई जहाज तक, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलता है, और ये क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन ही है, जो फ्यूल है, फ्यूल इज, फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन विच डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, पीएनजी, एटसेट्रा, यू नो ऑल आर कंपोजिशन ऑफ, ऑल आर कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल
सब्सटेंसेस, सब्सटेंस. सो इट हैज प्ले आल्सो अ ग्रेट रोल इन दिस ट्रांसपोर्टेशन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रिक एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी. यू नो यूरेनियम 235 आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी. यू नो एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री. नाउ मेनी इंडस्ट्री हैज ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज लाइक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, राइट, कलर इंडस्ट्री, कलर, पिगमेंट, पिगमेंट, फूड, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, लेदर, पेंट, यू नो एटसेट्रा. ऑल दीज इंडस्ट्री नीड केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल कंपोजिशन फॉर डाइंग, फॉर कलरिंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज एंड यूजिंग दिस केमिकल सब्सटेंसेज फॉर प्यूरिफाई, फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन. सो application of chemistry is used in all these industry as well. So, chemistry is used in many way in industrial purpose also. There is application in war. There's some destructive use is also in war, or you can say protective use, but application of chemistry in war, I'm just giving this in shortcut idea. Application in war, you have heard about the chemical weapon, the atom bomb, the hydrogen bomb. All these are made of chemical composition of different substances. So some poisonous gas like phosgene, you know, and mustard gas, these are some poisonous gases which can be used for destruction of mass human beings. So chemistry has also play in destructive way. It can be used in destructive way, and the role in war cannot be ignored. Finally, we can also discuss about the comfort and entertainment, how this will be used, entertainment. आप देखते होंगे कैमरा इस्तेमाल करते हैं, सेलुलाइट इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, फोटो पेपर इस्तेमाल करते हैं. इन सब में जो केमिकल लगता है वो क्या है, वो केमिस्ट्री की वजह से ही है. इसी की वजह से आप बेहतर चीजें बना पाते हैं और इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाते हैं. आप एवरीडे लाइफ में जो नाइलन, प्लास्टिक का, ये टेफ्लॉन, ये सारा चीज इस्तेमाल करते हैं, वो भी है. बिल्डिंग मटेरियल इसके बिना नहीं बन सकता, लाइक सीमेंट जो बनता है वो इसी से बनता है, केमिकल कंपोजिशन से ही बनता है. बिल्डिंग बनाने के लिए और तरह तरह के जो स्टील है, इवन वो भी एक केमिकल कंपोजिशन से ही बनता है, अलग अलग मटेरियल का कंपोजिशन है. तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, ये सारी ही केमिस्ट्री की जरूरत है. और ये सब आप इतना डिटेल जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज है. तो इस तरह से इसके बारे में थोड़ा सा लिख ही लेते हैं. हाइड्रोजन बम, एटम बम, इवन टीएनटी बम, टीएनटी ये भी एक विस्फोटक है, यू नो. उसके बाद मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस एट्सेट्रा, ये सब क्या है, केमिस्ट्री की वजह से ही है.
ये सारे अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग तरह के डिस्ट्रक्टिव वीपन्स बनाए जा सकते हैं, केमिकल वीपन बनाए जा सकते हैं। कंफर्ट में हम बात करें तो कंफर्ट में जो हम कह रहे थे, जैसे अब फाइबर बना है, ऑप्टिकल फाइबर बना है, ये भी केमिस्ट्री से है। कॉटन, ये भी अब ऊल, रेयॉन, टेफ्लॉन, ये सारे चीज जो बने हैं ये भी सिंथेटिक फाइबर से हैं। ऊल एटसेट्रा, ये सब क्या है, नाइलॉन, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और ये सिंथेटिक फाइबर केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपोजिशन से ही, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा हमारी बेसिक जो लाइफ है उसमें, बेसिक से बेसिक चीजों में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से इनका रोल प्ले कर रहा है, और इसके डेवलपमेंट में, इसके मैन्युफैक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में रोल प्ले कर रहा है। टेरलीन है, पॉलिस्टर है, ये सब कपड़े बड़े ही आरामदेह होते हैं पहनने के लिए, या अट्रैक्टिव होते हैं कह सकते हैं। ये सब क्या है, केमिस्ट्री से बने होते हैं। आप जितने भी, अब तो ये कॉटन फाइबर आने लग गए हैं, जिससे कि कॉटन फाइबर भी मिक्स होने लग गए हैं दूसरे दूसरे केमिकल फाइबर के साथ, जो फाइबर बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर उनके साथ मिक्स होने लग गए हैं, और उसे एक नई तरह की प्रोडक्ट बनने लग गई है जो भी आरामदेह होता है। घरों में, किचन में काम करने वाले टेफलन होते हैं, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं, और जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, जितने भी आप फिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हार्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये जितने भी आप सिंथेटिक का और एनाथीसिया के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल से होते हैं, इन्फेक्टेंट्स हैं ये, जैसे फिनॉल, और हमने इसकी बात करी है, एसिड की बात करी है, एसिड भी यूज किया जाता है वॉश करने के लिए, स्प्राई करने के लिए, तो ये सब है। इसके अलावा जो हमारी लग्जरियस आइटम है, लाइक परफ्यूम है, डीओ है, ये सब क्या है, ये सब भी केमिकल सब्सटेंस का ही बना होता है। तो इन सब के अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल या जो सामान बनता है, जिसमें हम घर में रहते हैं, कंफर्ट है, गाड़ी है, गाड़ी में जो इस्तेमाल होते हैं तरह तरह की चीजें, वो भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस की वजह से बने होते हैं। गाड़ी के बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, वो भी केमिकल सब्सटेंस की वजह से बने होते हैं। लग्जरी में आप कहें कि गोल्ड की ज्वेलरी बन रही है, गोल्ड के, सिल्वर के, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स भी क्या है, केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो इन सब चीजों का जो लग्जरी यूज है वो भी हमारी केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। जो तरह तरह के मेटलॉइड्स बने हैं वो भी केमिस्ट्री के कंपोजिशन से, डिफरेंट कंपोजिशन के मेटल के कंपोजिशन से मेटलॉइड्स बने हैं, जो स्ट्रेंथ में कई गुना ज्यादा होते हैं मेटल से, और इसका तरह तरह का यूज भी होता है। हमारी मोबाइल जो है, हमारी कैमरा जो है, हमारी कैलकुलेटर जो है, इन सब में केमिस्ट्री का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड इट हैज अ ग्रेट स्कोप एज वेल, व्हिच विल डेवलप आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस एज वेल। सो इस तरह से आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो बात होगी वो अगली क्लास में होगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल अस, एंड डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल to deal with all these situations. So thank you very much for watching this, and don't forget to subscribe our channel. We will help. This is the very first topic, and it is somehow a literature type topic, so it is a boring type somehow, but still enough knowledge is given, and this is very very useful for giving the broad idea about the chemistry, that where the chemistry stand for us, and what are the usage of chemistry in our everyday life. So chemistry has a great role. Still I can say that this is a very useful knowledge, piece of knowledge for any educated person. तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री का क्या यूज है, और ये प्राइमरी सबसे इनिशिएशन वाली बात थी, तो बेसिक चीज थी जो केमिस्ट्री के बारे में हमने बताई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री किस कदर हमारी हर एक छोटी से छोटी जरूरत से लेकर के, और डिस्ट्रक्टिव वॉर तक, और न्यूक्लियर वीपन तक, और एटॉमिक एनर्जी तक, सब जगह केमिस्ट्री का यूज होता है। सो इस तरह से केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, और होपफुली इस लेक्चर के जरिए आप समझ पाए होंगे, कुछ बात कही गई है, कुछ बात अनकही है, तो थोड़ा बताना, ज्यादा समझना इसकी एक लिमिटेशन है इस क्लास की, तो इतना हमने बताई है, और इससे ज्यादा आप
खुद समझे, खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें किताब और समझे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें लिखें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।